उस समय ये जो अभी मुख्यमंत्री है ये खुद दो तीन बार आया कि मेरे को महामंत्री बना दो, उसी को साथ दिया भूपेश बघेल को, उसकी किस्मत जाग गई, 93 में टिकट मिली उसको, जाओ तुम लोग को जो करना है करो, इसी के खिलाफ लड़ा पाटन में जो अभी मुख्यमंत्री हैं, फिर जीत गए अपन। अब इनको हराना है, जीतने के लिए नहीं खड़ा हुए थे, अब इनको सबक सिखाना है, इसी को मुख्यमंत्री खड़ाए थे उस समय। बस्तर हमारा छोटा कश्मीर है, नहीं जिमी कांदा का स्वाद ही अलग है, एक सामान्य सी बात है, आज मैं हूँ कल कोई और होगा, लेकिन लोगों का प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। प्रणाम सर। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत है हमारे घर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत होमली फील लगा मुझे, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी सांसद के यहाँ जा रहा। लगना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये तो जनप्रतिनिधि का घर है, मतलब सबका घर है जी। हम लोग तो सामान्य लोग हैं और जनता के ही हम लोग नज़दीक में रहते हैं, जनता की दरबार है, जनता का घर है। सर मुझे नहीं लगता कि मुझे आपका परिचय देने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि आपका जो अभी तक का छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सफ़र रहा है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, ये शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए क्या है, मैं तो नौकरीशुदा था, भिलाई इस्पात संयंत्र में मेरा 1985 से सर्विस लग गई, उसी साल शादी भी हो गई, और मैं खेल में ज़्यादा रुचि रखता था, कबड्डी मेरा प्रिय खेल था, लेकिन राजनीति में ना मैंने कॉलेज में ना स्कूल में इसमें अपना पार्टिसिपेट किया। आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं थे? नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी नहीं था मैं। दुर्गा कॉलेज में मेरी कॉलेज हुई, कालीवाड़ी स्कूल में हाई स्कूल किया मैं, और गांव में 8वीं तक मिडिल स्कूल किया। उस समय मैट्रिक हुआ करता था 11वीं तक, उसके बाद कॉलेज। तो सामान्य रूप से कॉलेज में हम लोग जो मीडियम स्टूडेंट रहते हैं ना, हाँ, जो 50-55% वाले थे हम, हम ज़्यादा कोई हाई फाई स्टूडेंट पीछे बेंच में बैठते थे, खेल में ज़्यादा रुचि थी, कबड्डी नहीं, शैतानी नहीं करते थे हम लोग, हाँ पीछे से कभी आ जाते थे कभी चल देते थे, क्योंकि लगाव खेल में था और सारा ध्यान उसी में रहता था। नेशनल खेले 3 बार, मध्य प्रदेश टीम के लिए उस समय हमने गोल्ड मेडल भी लाया था हमारी टीम ने, तो इस तरह हम लोग उसमें ज़्यादा रुचि था। फिर गांव में जो और स्कूल कॉलेज में भी जो एनुअल फंक्शन होते थे उसमें नाटक में भाग लेना, गांव में तो पहले लड़का ही लड़की बनते थे। अच्छा, गांव में जब रामलीला वगैरह होता था ना या स्कूल में जो कार्यक्रम, हाँ, होते थे तो हम लोग लड़की भी बनते थे। आप बने? हाँ, मैं बना हूँ, खुद ही बना हूँ, हम लोग डांस भी करते थे, कभी लड़का बनते थे कभी लड़की बनते थे, मतलब एक कंपटीशन, नहीं हम अभी लड़की बने तो अब हम लड़का बनेंगे, ऐसा चलता था। तो उस रूप में भी मैंने छोटी मोटी कलाकारी उस समय की और शौक भी था। राजनीति में मेरा आना हुआ 1987 में। 87 से पहले आप? 1987 नहीं नहीं, हम लोग क्या है कि गांव में कार्यक्रम करते थे, खेल कूद का आयोजन करते थे, एक हम लोग ने एक क्लब बनाया था विजेता क्लब, फिर क्रांति क्रीड़ा मंडल बनाए, तो उसके माध्यम से हम लोग आयोजन करते थे। और ये किस गांव में हो रहा था? ये हमारा उरला गांव, चरौदा के पास है, मेरा वही जन्म हुआ है, जन्मभूमि है मेरा, चरौदा और कुमारी के बीच में जो देवभोग दुग्ध महासंघ जहाँ है वो हमारे गांव में है, देवभोग दूध वहीं से बन के आता है, मतलब पैकिंग होके आता है, प्रोसेसिंग वहीं से होता है, तो वहाँ से हमने शुरुआत की, तो पढ़ लिख के आए, फिर उसके बाद हम गांव में इसी में लग गए, खेतीबाड़ी करते थे। 1983 में मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मैं आ गया, 85 में सर्विस लग गई, गाँव से ही आना जाना चलता था मेरा, प्लांट यहाँ भिलाई स्टील प्लांट, तो हम लोग आयोजन करते थे। साल ऐसा हुआ, 87-88 की बात है, हम लोग किसी विधायक को या कोई उस समय साडा हुआ करता था, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे, उसको हम लोग पुरस्कार वितरण में बुलाते थे, चीफ गेस्ट। हाँ, माननीय अनंत राम वर्मा जी उस समय हमारे विधायक थे, वहाँ के कांग्रेस के थे, मेरे पिताजी जनसंघी, हम लोग भी उन्हीं के साथ, वो दिया छाप चलता था पहले, तो चुनाव में हम लोग बच्चे बच्चे थे तो शौकिया हम लोग चुनाव प्रचार में टेम्पो में बैठ के उसमें प्रचार करते उस समय आपको विचार ना ना ना, ना कुछ नहीं, वो तो बाबूजी हैं जी, मजा आता था। हाँ। बच्चे बच्चे थे, टेम्पो में बैठते थे, अपना घूमते थे, वही दो चार गांव आसपास, और वो उस समय चलता था वो टीने का स्टेंसिल काट के दीपक छाप बनता था, उसको हम लोग वो रंग पोत पोत पोताई करके उसको दीवार में छपाई करते थे। तो अचानक वो उस समय अतिथि बुलाया, अतिथि हमारे यहाँ घर में चारे पीने बैठने पुरस्कार वितरण के बाद, तो वो एकाएक बोल दिए अनंत राम वर्मा जी मेरे पिताजी को कि भैया आप तो हमारे विरोधी हैं, जनसंघी हैं, वो कांग्रेस के थे, ये किसी एक बच्चे को मेरे दे दो। तो अचानक पिताजी के मुंह से निकला कि विजय अब तुम अनंत राम जी के साथ रहना, मेरे को समझ ही नहीं आया। ये आपके सामने हुआ? ये मेरे सामने हुआ, मैं चाय लेके आया था। हाँ। हम लोग चाय पानी तो खुद ही वहां सर्व करते थे गांव में, तो मेरे को ऐसे देखे और बोले कि मैं समझा ही नहीं, अनंत राम जी के साथ रहना मतलब क्या, रहना क्या होता है? ठीक है, हाँ पिताजी का आज्ञा था, पिताजी का ठीक है बाबूजी करके, हम लोग बाबूजी बोलते अपने पिताजी को। मेरे पिताजी 62 ईयर में ही स्वर्गवास हो गया उनका 1991 में, और उसके बाद फिर 15 दिन 20 दिन बीता होगा और एक नियुक्ति पत्र आ गया ब्लॉक युवक कांग्रेस सिरसा कला का अध्यक्ष का। हम समझ ही नहीं पाए क्या है, आप प्रोसेस ही नहीं कर पाए थे? ना ना ना, हम तो क्या है? हम समझ ही नहीं पाए। मैं बाबूजी पूछा ये क्या है? हाँ। तो बोले जाओ अनंत राम जी के पास जाना और उनसे सब बात बात करना। फिर गए, फिर वो बताया कि इनसे मिलो उनसे मिलो, ये युवक कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ये आपके प्रभारी हैं। फिर मिले, फिर वो मार्गदर्शन दिए कि आप लोग ऐसा ऐसा संगठन बनाइए। 52 गांव की जवाबदारी थी हमारी, वो जो पाटन क्षेत्र में ही आता है अभी, और हम लोग फिर उसका प्रोसीजर शुरू किए। उस समय फिर संगठन बनाए, दो महामंत्री, उपाध्यक्ष, चार ऐसा संगठन मंत्री, प्रचार मंत्री जो युवक कांग्रेस का होता है उसको बनाए। उस समय ये जो अभी मुख्यमंत्री है ये खुद दो तीन बार आया कि मेरे को महामंत्री बना दो। उस समय ये कांग्रेस के मेंबर भी नहीं हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, भूपेश बघेल। हाँ जी। तो ये ऐसे मिल गए, तो बोले मैं तो अभी यार उधर छोड़ के आ गया हूँ गाँव को, मैं इधर ही रहता हूँ बच्चों को लेके किराए में, ऐसा बात हुई। व्यक्तिगत जीवन में वही जाना चाहता, लेकिन जब हम उसकी तैयारी में थे गठन की, तो ये भी संपर्क में आया और बोलने लगा कि मेरे को महामंत्री बना दो। हम बोले सोचेंगे बाद में देखेंगे। फिर दूसरी तीसरी बार आया, फिर हम लोग सब निर्णय लेके और साथी लोग फिर उसको महामंत्री रखे। एक महामंत्री भाई खिलावन सिंह साहू जी थे, हमारे गाँव के किए थे। इस तरह हम लोग का सब शुरू हुआ राजनीतिक जीवन, और फिर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे, लेकिन मन में कोई पद की लालसा कभी नहीं थी, कभी भी नहीं, कभी नहीं थी। फिर हम लोग उसी को साथ दिए, भूपेश बघेल को, उसकी किस्मत जाग गई, 93 में टिकट मिली उसको। हम लोग बड़े उत्साहिक ढंग से काम किए और पैसे से, शक्ति से, सामर्थ्य से सब सहयोग किए उसको, सब पूरी टीम मिलके। ये 1993 की पहली बार वो विधायक बने जी, और बहुत नज़दीक हो गए माननीय दिग्विजय सिंह जी, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो बहुत नज़दीक हो गए उनसे। 98 में भी उनको टिकट मिली, फिर मैं चुनाव संचालक रहा, और उसके बाद फिर 2000 में हम पार्टी छोड़ दिए। इन्हीं के कारण इनका थोड़ा सा आदर्श स्वभाव से हमको मेल नहीं खाए और ये बड़े आदमी बन गए थे जी। फिर हम पार्टी छोड़ दिए 2000 में, और 2000 में हम निर्दलीय नगर पालिका चुनाव लड़े। हम लोग जिसको चाहते थे, सामान्य हुआ था भारतीय जनता पार्टी से एक श्री संपत जैन जी को टिकट मिली,
हम लोग ने कहा, मैं चूंकि उस समय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाटन का पूरा अध्यक्ष बन चुका था, माननीय वासुदेव चंद्राकर जी हमारे जिला अध्यक्ष है, उन्होंने मुझे युवक कांग्रेस से प्रमोट करके पूरा ब्लॉक युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का। तो संगठन के तरफ से हमने विजय जैन हमारे अच्छे कार्यकर्ता थे, बाद में सभापति भी हुए कहाँ नगर निगम भिलाई में, उनको प्रपोज किया हमने। तो बोले नहीं मैं दूंगा ही नहीं, मैं किसी को भी देख जिता लूँगा, मतलब एक और ऐसा शब्द बोले थे जो बोलने लायक नहीं है, लेकिन जाओ तुम लोग को जो करना है करो। फिर हम सब निकल गए, 13-14 लोग थे, चलो ठीक है, इसका घमंड बहुत है। और फिर मेरे को सब साथी मिल के बोले कि अब इनको हराना है, जीतने के लिए नहीं खड़ा हुए थे, अब इनको सबक सिखाना है। अच्छा, इसको बहुत घमंड हो गया है, इसको सबक सिखाना है, इसलिए मेरे को निर्दलीय खड़ा कर दिए। हम तो प्रपोज उसी किए थे पहले विजय जैन को कि यार निर्दलीय खड़ा हो, हम सब साथ में हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर सब ने मिलकर मेरे ना चाहते हुए भी, मैं तो नौकरी कर रहा था, पिताजी उस समय बहुत बीमार हुआ करते थे, नहीं पिताजी तो खैर चल बसे थे, मेरी घर की जवाबदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा रुचि नहीं था मेरा, मगर ईश्वर की मर्जी। चुनाव लड़ा पहला चुनाव आपने अननोइंगली लड़ा? हाँ, मैं तो हाँ इंडिपेंडेंट लड़ा ना चुनाव, फिर जनता का आशीर्वाद ऐसा मिला कि नगर पालिका भिलाई चरौदा का प्रथम अध्यक्ष बन गया। उसी समय साडा से विखंडित होके नगर पालिका यहाँ भिलाई नगर नगर निगम और एक जामुल नगर पालिका कुम्हारी नगर पालिका पंचायत ऐसा बना था। तो उस समय फिर जीत गए अपन, आप जीत गए, जीत गए। उसके बाद में कैसे आपने फिर राजनीतिक शुरुआत हुई? फिर 2003 में माननीय विद्या चरण जी की पार्टी से विधानसभा लड़ा जी। इसी के खिलाफ लड़ा पाटन में, जो अभी मुख्यमंत्री हैं जी। दूसरा पोजीशन रहा, 5,500 से हम चुनाव हार गए। और उसके बाद फिर हमारा वो पार्टी तो बनी और ख़त्म हो गई, यहाँ एनसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस जो शरद पवार जी की पार्टी। फिर हम आ गए 2004 में बीजेपी में। आपके आने का क्या कारण रहा बीजेपी में? नहीं, बीजेपी से हम लोग, हमको बहुत लगाव था पहले से, मेरे पिताजी जनसंघी, मैं हमेशा आरएसए के कार्यक्रम में कांग्रेस में होते हुए भी जाता था मैं, मुझे सिद्धांत उनकी जो कार्य प्रणाली उनके जो विचार से मैं बहुत प्रभावित था, मैं कांग्रेस में होते हुए भी उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होता था, तो मेरे विचार थे और मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था कि कौन क्या बोलेगा। हाँ, मेरा व्यक्तिगत जीवन है, हाँ ठीक है, पार्टी की जिम्मेदारी भी अपन उसी तरह निभा रहे हैं। तो ये हुआ और उसके बाद से राजनीतिक सफर शुरू हुआ। इजीली डिसीजंस ले सकते हैं मतलब? नहीं, मैं तो देखिए मैं बहुत असमंजस में था जब निर्दलीय हुआ, क्योंकि परिवार भी नहीं चाहते थे, मिसेज भी नहीं चाहती थी, मेरे घर वाले नहीं चाहते थे, मेरे दीदी लोग भाई लोग हैं, योर किड्स वर देयर उस समय। हाँ, मेरा बेटा भी हो गया था और बेटी भी हो गई थी, 1989 में बेटी हो गई थी और बेटा 1992 में हो गया था, ये बता रहा हूँ 2000 की बात है। तो ये सब जवाबदारी थी, लेकिन ईश्वर की मर्जी जो होती है, रास्ता वही देते हैं, किस्मत वही लिखे हैं। मेरा मानना है किस्मत भगवान ने लिख दिया है और लिखे हुए किस्मत को कोई न टाल सकता न कोई दे सकता उसके अतिरिक्त। और उसी भावना से मैं जो भी मिला एक्सेप्ट करते गया आप और अपनी जिम्मेदारी को निभाते गया और 2004 में बीजेपी में शामिल हुआ। माननीय वेंकैया नायडू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके ही मंच में हम शामिल हुए राजनांदगांव में। फिर 2000 विधानसभा लोकसभा चुनाव था उस समय 2004 में, फिर बढ़िया हिस्सेदारी निभाई। 2008 में मुझे इसके खिलाफ टिकट भी मिल गई भाजपा से, ये मुख्यमंत्री के खिलाफ। अच्छा, तो उसके बाद इसको हराए 2008 में, वहाँ मैं जीता, विधायक बना पाटन, इसी को मुख्यमंत्री हराए थे उस समय।
आपने उन्हें पहली बार हराया था। हाँ, 13 में टिकट नहीं मिली, 13 में हम चुनाव हार गए, 18 में टिकट नहीं मिली, 19 में सांसद बन गए। कैसा लगता है मेरा सफर? पहले निर्दलीय लड़ना, फिर उसके बाद में टिकट नहीं मिलना, फिर एक बार टिकट नहीं, कुछ नहीं, समय काल परिस्थिति है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का स्नेह मिलता है, लोग इतना प्रेम करते, इतना स्नेह करते हैं, वही हमारी पूंजी है। न पैसे का लोभ है, न पद का घमंड है, सामान्य जिंदगी जीते हैं। और मैं कभी, मेरे को लगता ही नहीं कि मैं सांसद बन गया सर, मैं बिल्कुल, मेरे को लगता नहीं कि मैं विधायक बन गया, तो ये मेरे लिए एक सामान्य सी बात है। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, लेकिन लोगों का प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। मैं लोगों से भी कहता हूँ, अपने साथियों से, मेरे पास आना तो राजनीतिक संबंध बनाने मत आना, पारिवारिक, मेरे पास आना तो पारिवारिक संबंध, आत्मिक संबंध बनाने आना, जो जीवन भर का है। नहीं तो राजनीति में स्वार्थ है भैया, बहुत जगह लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, वहाँ जाइए, क्योंकि कल यहाँ रहोगे, परसों वहाँ रहोगे, नरसों वहाँ रहोगे, ये मेरे से नहीं होता। सर मैंने यही, मैं आपको कभी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं रही जी, कि मेरे को यही बनना है, जो मिलता रहा एक्सेप्ट किया स्टेप बाय स्टेप जी। आपने अभी बात कही कि लगता ही नहीं है कि मैं सांसद हूँ। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी जिस टाइम एंटर किया था, मैंने पहली बार मैं आया हुआ था शायद एक या दो हफ्ते पहले, आपके जो बेटे हैं सौरभ जी, मुझे ऐसा फील भी नहीं हुआ कि मैं किसी, मतलब उनसे मिल रहा हूँ, फिर आप अचानक से आ गए, फिर आपने कहा कि, फिर एक जो ऑरा होता है कि हाँ मैं कैसे बात करूँगा एक सांसद से, मुझे आपसे वो करके नहीं लगा मिलकर। इतनी एक, अगर इतनी ईजीनेस हर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में हो जाए तो फिर जनता अपनी बात बताने से डरती नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम तो जनता के लिए है ना। करेक्ट, हम अपने लिए थोड़ी है। राइट, हम तो जनता की संपत्ति हो गए। हाँ ठीक है, हमारी भी व्यक्तिगत जिंदगी है, हमारा भी परिवार है, तो उसके लिए भी समय निकालना है। और मेरे बेटे को तो, और मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को, जरा भी इस बात का वो नहीं है कि हम, हमारे पापा सांसद हैं। बिल्कुल, I couldn't agree more, बिल्कुल। और सौरभ को तो राजनीति से कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी निभा लेता है कभी कभी जी, लेकिन उसको एकदम, हाँ वो, बाकी लोग भी बोलते हैं भैया क्यों नहीं आता सौरभ बाबा, क्यों नहीं आते, क्यों, मतलब क्यों नहीं घूमते, कोई इंटरेस्ट है, और अच्छी बात है जी, वो अपना अलग बिजनेस करे, अपना जो उसको रुचि है वो करे। बेटियाँ भी जहाँ भी जाती है अपना परिचय नहीं देती, जब कोई स्टेटस में देख के जब देखते हैं तब उन लोग पूछते हैं, तो वो कभी अपना परिचय उस रूप में देती भी नहीं। मेरी पत्नी बहुत सिंपल है और सारी जिम्मेदारी निभाती है, कार्यक्रम अटेंड करती है। मेरे परिवार में सभी लोग ऐसे हैं, भाई बहन, किसी के मन में ये बात है ही नहीं है। और किसी के मन में पैसा कमा लें, पढ़ गए बहुत बड़े हम लोग हो गए, ऐसा कोई भाव ही नहीं है। मेरे माता और पिता के दिए हुए संस्कार हैं। आप आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्शन क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं। देखिए क्या है, इसी भाव से माननीय अटल जी ने इसको राज्य का दर्जा दिया जी, और इसी भाव से हम लोग जिसको मानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, स्वतंत्रता से पहले, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, 1940 में अलग राज्य की कल्पना उन्होंने कर ली थी। इतने पहले? हाँ इतने पहले, हिवारा में उसकी बड़ी बैठक हुई थी। बड़ी बैठक मतलब उस समय के 300-400 बैठक बड़ी बैठक हुई करती थी। बिल्कुल, क्योंकि स्वतंत्रता के लड़ाई में लोग 40-50 भी इकट्ठा हो जाते थे ना, बड़ी बैठक हो जाती थी वो, क्योंकि अंग्रेज चप्पे चप्पे में घूमते थे। तो वो सोच लिए कि जैसे भाई लगने लगा था अब देश आजाद होगा, लगने लगा था एक साल पहले से, तब उन्होंने कल्पना की हमारा भारत आजाद होगा तो हम छत्तीसगढ़ राज लेंगे, इसमें बहुत संभावनाएं हैं, और हम अपने राज्य को सबसे विकसित और सबसे उन्नत राज्य बनाएंगे। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया भाव से हमें नवाजा जाता है,
कितनी बड़ी बात है। भारत माँ हम बोलते हैं, पूरे विश्व में किसी भी देश को माँ के नाम से नहीं पुकारा जाता, और देश में किसी भी राज्य को माँ के नाम से नहीं पुकारा जाता, हम लोग पुकारते हैं छत्तीसगढ़ महतारी। ये किसी भी राज्य का नाम आप सुन लीजिए, माँ के नाम से नहीं है। तो ये हमारी भावना है। और यहाँ तो इतने खनिज संपदा है, वन संपदा है, यहाँ पर मतलब हमारे युवा वर्ग इतने सशक्त हैं। और हमारे डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की ये भावना थी कि वो छत्तीसगढ़िया बाहरी और भीतरी की बात कभी नहीं करते थे। आज जो बहुत लोग करते हैं ना, ये बाहरी है, ये भीतरी है, बाहरी है मतलब कोई कोई है? कोई बाहरी का मतलब ही समझ नहीं आता। वो बोलते थे कि जिसके मन में छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम है, स्नेह है, सद्भाव है, छत्तीसगढ़ के मान सम्मान को अपना समझता है, छत्तीसगढ़ के अपमान को अपना समझता है, वो असली छत्तीसगढ़िया है। चाहे वो 5 साल पहले आए हो, चाहे 50 साल पहले आए हो, चाहे वो 500 साल पहले आए हो, वो कभी भी ये परिभाषा थी उनकी असली छत्तीसगढ़िया की। आज यहां 500 साल पहले भी है, जिसके मन में छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम नहीं है तो क्या छत्तीसगढ़िया है वो? उसको तो लूटना खसोटना है। हमारे ही लोग आज बैठे हैं यहाँ पे, जो लोग अपने आप को मैं असली छत्तीसगढ़िया बोलने वाले लोग, लूट खसोट कर रहे हैं। तो ये भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा है, मेरा दर्द उसके साथ छुपा है, उसका मान सम्मान मेरा है, ये भाव हमेशा रहना चाहिए। इसलिए छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसको माननीय मोदी जी भी इसका लोहा मानते हैं कि क्यों अटल जी ने जिस राज्य को बनाया, तीनों राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला अगर राज्य कोई होगा तो वाकई में झारखंड भी है और छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन उस रूप में अभी तक हम नहीं बना पाए हैं जिस रूप में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बारे में हम जब भी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक नक्सल फैक्टर आ जाता है, तो उसके लिए पहले की सरकारों ने क्या किया है और अभी की सरकार कैसे इस इशू को डील कर रही है? अब इसमें मैं राजनीतिक बात तो नहीं करूँगा, सामान्य सी बातें करूँगा। मैं गृह विभाग का जिम्मेदारी मेरे पास था जी। मैं जब विधायक था तो संसदीय सचिव था, गृह जेल सहकारिता, माननीय ननकी राम कंवर जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, मैं संसदीय सचिव था ऐसे राज्य मंत्री के रूप में, तो मैंने नज़दीक से देखा। देखिए उस समय दो संभाग पूरी तरह नक्सली से जकड़ा हुआ था, एक सरगुजा संभाग और दूसरा बस्तर संभाग। सरगुजा संभाग में निर्मूल अब नक्सलाइट खत्म हो गए। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय हुआ ये, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, मतलब भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि है वो। बिल्कुल, कहीं भी घूम सकते हैं सरगुजा में। हम हमारे समय में निरंतर सिमटते जा रहे थे वो। राजनांदगांव वगैरह में जो जिले जहां तक प्रभावित है अभी, वो जिले सिमटते जा रहे थे, मतलब दूर भाग रहे थे। और उसके बाद जो सिलसिला भी आया है, ये लोग भले बनावटी पर अपना करें, वहाँ के लोग किस 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 चीज़ के लिए तरस रहे हैं वो हमने नज़दीक से देखा है। और एक अच्छी सड़कों की जाल बिछी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, सामान्य तरीके से नक्सली मूवमेंट को ख़त्म किया जा सकता है, किया लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार की। मैं समझा नहीं, इच्छा शक्ति होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमको ये चीज करना है। आज अगर कश्मीर हमारा हो गया तो माननीय मोदी जी की इच्छा शक्ति है, वर्षों से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, 75 साल से, क्यों नहीं हुआ? ऐसा दमदार नेतृत्व चाहिए जिसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के बगैर, दृढ़ संकल्प के बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकता, और ये इच्छा शक्ति वर्तमान सरकार में नहीं है। ये तो देखिए, मैं आरोप लगाना नहीं चाहता, लेकिन कई की मिली भगत है, कई साक्ष्य मिले हैं।
सरकार हेल्प भी करती है और नक्सल दोनों का एक कॉन्ग्लोमरेट है, दोनों का है, तो इस तरह का है और बहुत बड़ी बात नहीं है। नक्सलवाद खत्म किया जा सकता है अगर बस्तर हमारा छोटा कश्मीर है, इतने मरोना स्थल है वहां पे कि वहां विजिटर आएंगे, हमारी आमदनी बढ़ेगी, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां के लोगों को संसाधन मिलेगा, वहां के लोग जो वहां के युवा है उनके बहुत सारी संभावनाएं उनके मन में जागृत होगी। सीमित है सर, मैं रिसेंटली गया हुआ था, काफी मुझे कंजर्वेटिव लगा वहां पर। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है और इतिहास है उसे आप कितना जुड़ा हुआ पाते हैं खुद को, क्योंकि आपने यहाँ के सबसे बड़े भिलाई स्टील प्लांट में भी काम किया हुआ है, आप एक किसान भी रहे हैं और अभी एक राजनेता के रूप में, क्या एक्सपीरियंस आपको भिलाई स्टील प्लांट का, क्या एक फार्मर का, क्योंकि आज पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं हम किसानों के लिए बना रहे हैं, हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, कैसे वो एक्सपीरियंस आपको वहाँ आज बेनिफिट करता है एज अ सांसद? देखिए, छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार की संभावनाएं हैं। बिल्कुल, यहाँ पे किसान भी खुशहाल हो सकते हैं, किसानों को भी वो जो उनका प्रतिसाद मिलना चाहिए वो मिल सकता है। यहाँ रोजगार की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, उद्योग की संभावनाएं हैं, उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, स्वाभाविक है, प्रोपोर्शनल। यहाँ स्किल्ड भी है बच्चों का, यहाँ जो जो आईटी कंपनियां हैं जो उसकी संभावनाएं भी यहाँ हैं। हमारे बच्चे क्यों बाहर जाए, क्यों मेट्रो सिटी में जाए, उस सेक्टर को हम भी यहाँ लाए, ये भी है। और यहाँ पर कलाकारों के खान भी है, कितने कलाकारों को पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, यहाँ अच्छे खिलाड़ी भी हैं, इतनी स्टेमिना है बस्तर क्षेत्र के बच्चों में, सामान्य भी यहाँ भी है। उनको सिर्फ एक व्यवस्था देने की बात है, उनके लिए वातावरण बनाने की बात है, पुशअप करने की बात है, सब चीज में हमारा छत्तीसगढ़ आगे है। खनिज संपदा बताया मैंने, वन संपदा बताया, वनोपज के इतनी संभावनाएं हमारे यहाँ है कि उसी में आदिवासी क्षेत्र के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर उस रूप में, एक तो ठीक दो तीन प्रकार के वहाँ लोग हैं, एक तो वनोपज को चुनने वाले लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, सामान्य है, बुजुर्ग हो गए हैं या पहले पीढ़ी कह रहे हूँ, उनको उसकी उपज की भरपूर कीमत मिले और वो उनके बच्चों को हम अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य वहाँ दे दें, दो बच्चे उस व्यापार से जुड़ जाएंगे, तो अपने ही घर का इकट्ठा किया हुआ वो वनोपज का सामान अपने ही बेटा व्यापारी के रूप में उसको करे। बाहर के व्यापारी क्यों जाए वहां पे भाई, क्यों जाए, वो भी बाहर के व्यापारी को बेच देते हैं, कोचिया लोग और बीच के जो कमीशन खोर है उनके चक्कर में, बिचौलियों के चक्कर में। तो ये सब चीज खत्म होना चाहिए और मेरी यही भावना है, मेरी यही सोच है व्यक्तिगत रूप से, ये सब होगा तो चहुमुखी विकास होगा, चारों ओर खुशहाली रहेगी और चारों ओर हमारा जो ये जो मैदानी क्षेत्र है, भौगोलिक स्थिति से हमारा क्षेत्र तीन भाग में बटा है, तो सरगुजा बस्तर और ये मैदानी क्षेत्र, तीन जो संभाग है वो बिलासपुर रायपुर और दुर्ग, तो ये है। सर, अभी तक की राजनीति और प्रशासन में ऐसी क्या कमियां रही हैं जो आने वाले सालों में सुधरनी भी चाहिए, और एग्जैक्ट मुझे आप पॉइंट्स बताइए कि हाँ यहाँ पे सरकार को कुछ अब करना चाहिए, क्योंकि आप विपक्ष में रहे हैं, आपने बारीकी से देखा हुआ है कि कहाँ पर ये आगे आके काम कर सकते हैं, कहाँ पर भी चाहते हुए काम नहीं कर रहे हैं। जैसे नक्सलवाद वाली समस्या ले लीजिए, वहाँ पर इच्छा शक्ति दृढ़ शक्ति होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं मिटा पाएंगे, आप ये समस्या आगे भी चलते रहेगी, हम लोग नंबर ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस में यही देखते रहेंगे कि बस छत्तीसगढ़ नक्सलवाद। आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो यह है कि जो भी सरकार में बैठे जी, जो भी पार्टी बैठे, प्रशासनिक कसावट जरूरी है,
सिर्फ प्रशासन के भरोसे सरकार चलाना ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये बुद्धिमानी भी नहीं है। सरकार में बैठे लोगों के विचार और सोच छत्तीसगढ़ के प्रति पॉजिटिव हो, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति पॉजिटिव हो, अपने प्रति पॉजिटिव ना हो। अपने निजी स्वार्थ के लिए मैं सरकार बनाऊं और उसी के अनुसार मैं सरकार को चलाऊं, तो आप सीधा सीधा स्वार्थ में रहेंगे, इधर आपके जो अधिकारी है वो उसका मिसयूज करेंगे, उसका गलत फायदा उठाएंगे जी, उसको वो भी वही ढलरे में ढल जाएंगे, क्योंकि नेता जैसे चाहेगा वैसा उसका अधिकारी रहेगा जी। इसलिए पहला कर्तव्य हमारा है कि हमें किस टाइप का प्रशासन चलाना है हम तय करेंगे, और किस टाइप सोच वाले अधिकारियों का हम किस रूप में उपयोग करेंगे, क्योंकि सबकी मानसिकता अलग है। अभी देखें ना, कई भ्रष्टाचार में डूबे हुए अधिकारी मिले, कई ईमानदार भी हैं जो लूप लाइन में पड़े हैं, क्योंकि सरकार की नियति तय करती है कि किस तरह का अधिकारी को हम बढ़ावा दें। तो ये होना चाहिए, तभी छत्तीसगढ़ का विकास हो पाएगा। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की इतनी आवश्यकता क्यों है? और अगर जैसे आप, मैं चेयरमैन भी है मैनिफेस्टो कमेटी के, तो आप किन बातों पर अभी ध्यान दे रहे हैं, किन पॉइंटर्स पर ध्यान दे रहे हैं, और ये पर्यावरण के साथ में कितना जुड़ा हुआ है आने वाले? क्या है, ये सभी मुद्दों को समाहित करके घोषणा पत्र बनता है जी। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा किसान है, यहाँ 80% किसान है, ठीक है, पूरा भारत किसानों का देश है, देश। हमारा छत्तीसगढ़ भी किसान किसी प्रधान राज्य है, इसीलिए धान का कटोरा भी कहते हैं इसको। अब तो बहुत सारे जो उपज है अब उसको अलग अलग, यहाँ पे फल हो रहे हैं, फूल हो रहे हैं, यहाँ पे अनेक प्रकार के जो और औषधि से संबंधित हो रहे हैं। जसपुर में चाय पत्ती का बगान भी अभी सफल हुआ है, आगे कॉफ़ी का भी बगान अभी शुरू हो रहा है, मैं खुद शहर में देख के आया हूँ। तो सभी संभावनाएं हमारे यहाँ हैं, उन संभावनाओं को टटोलना होगा और उसको हमको प्राथमिकता के आधार में बढ़ावा देना होगा और किसानों को उस पर जोड़ना होगा। तो हम दार्जिलिंग का या आसाम का चाय नहीं पिएंगे, हम छत्तीसगढ़ का चाय पिएंगे। ये है हमारे छत्तीसगढ़ में, हर प्रकार के फल फूल हो रहे हैं, बाहर भेजा जा रहा है, तो संभावनाओं से युक्त है हमारा, संभावनाओं से मुक्त नहीं है, संभावनाओं से युक्त है छत्तीसगढ़। उस रूप में किसान, हमारी महिला वर्गों को कैसे हम संगठित करके उनको कैसे नए नए अवसर प्रदान करें, युवा वर्गों को कैसे हम स्किल्ड बनाएं और उनके रोजगार के अवसर हम प्रदान करें। सिर्फ नौकरी ही एक जरिया नहीं हो सकता युवाओं के लिए, अन्य प्रकार के जरिए भी उनको हम व्यवस्था दें। साथ ही साथ हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो पत्रकार हैं, हमारे जो साहित्यकार हैं, हमारे जो बुजुर्ग हो गए हैं, नौकरी से रिटायर हो गए हैं, जो पेंशनधारी हैं, उसका सदुपयोग, उनके अनुभव का लाभ कैसे हो सकता है, उसको हम सामान्य जिंदगी में उनसे राय मशविरा लेके उसको कैसे अच्छा इम्प्लीमेंट करें, ये सभी प्रकार की संभावनाएं हैं यहाँ पे। और गौ माता हमारी माँ है, जो अभी योजना बनी है वो दुर्गति हो गई है, तो इसको इस रूप में जोड़े किससे खेती किसानी में लाभ भी हो और हमारी गौधन संरक्षित भी हो, बिल्कुल वो योजना यहाँ पे हमको लानी होगी। और हम घोषणा पत्र में वही प्रयास कर रहे हैं, सबसे सुझाव ले रहे हैं और सुझाव लेके एक अच्छा घोषणा पत्र बनाने का हम लोग संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और सच्चाई से आधारित हमारा घोषणा पत्र होगा, झूठ का पुलिंदा नहीं होगा जो वर्तमान सरकार ने किया है, और जिसको धरातल पर हम लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ये घोषणा पत्र पर तो बात हो चुकी है, मुझे आप ये बताइए, अभी जो मैंने अभी तक देखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में युवाओं को कब समय और कब अपनी भागीदारी देना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसी भी आशंका आ जाती है कि ये तो अभी छोटा है,
कभी किसी बुजुर्ग को देना चाहिए, तो ये इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि कब युवाओं को एक डिजर्विंग पोजीशन देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, और ये कैसे तय होता है किसी भी पार्टी के? इसमें युवा और महिला दोनों आ जाता है। बिल्कुल। और युवाओं को कोई बंधन में नहीं बांधा जा सकता। हाँ। उनकी रुचि के ऊपर है जी। उनका दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो। वर्तमान क्या है, भीड़ का एक हिस्सा हम लोग युवा को बना देते हैं। बस भीड़ लाओ, मोटरसाइकिल रैली निकालो, तो ये करो वो करो। युवा कांग्रेस में भी युवा कांग्रेस बनता है, युवा मोर्चा भी भाजपा बनता है, और सभी राजनीतिक पार्टियों में युवा टीम रहती है। बिल्कुल। और उन वहाँ से निकलते हैं ने, वहाँ से अच्छे अच्छे नेता निकल रहे हैं। बिल्कुल। आज सांसद हैं, युवा मोर्चा का अध्यक्ष सूर्या जो है वो बढ़िया, बहुत अच्छा सांसद है। शिवराज सिंह चौहान जी, शिवराज जी युवा वर्ग से आए। बिल्कुल। यहाँ पे चाहे ब्रिज मोहन जी हो, राजेश मुराद जी हो, चाहे मैं अपनी बारे में बताए, मैं भी युवा वर्ग से आया हूँ। बिल्कुल। कौन नहीं आया है यहाँ पे, मुख्यमंत्री भी युवा वर्ग से आए। आपको तो आने वाली पीढ़ी, हम लोग भी युवा थे ना, तो ऐसा अलग से कोई युवा के लिए कोई संभावना ढूंढे, जो जिसकी रुचि इसमें है अपनी संभावनाएं खुद ढूंढ लेता है, उनको उनका अपना अवसर वो खुद बना लेते हैं, अपना स्थान खुद बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसी तरह महिलाएं भी हैं। हाँ, आज 33% का आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी लाया और वो पास भी हुआ। बिल्कुल, बहुमत से पास हुआ, क्योंकि एक अधिकार उनको मिलना चाहिए। सेकेंडरी ना बने महिलाएं, हम सफर बने, समकक्ष रहे, ये माननीय मोदी जी ने लाया है। जी। सेकेंडरी ना रहे, अरे हाँ यार यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसको महिला दे दो, ऐसा ना हो, उनका अधिकार सुनिश्चित हो, ये बिल लाया। भी युवा का है, युवा हम भी युवा थे, आज हम सांसद बन गए। मैं बताया जब 1987 में मेरा इस तरह शुरुआत हुई, तो भाई हर कोई पहले युवा था, उसके बाद आज राजनीति में आया है। तो ऐसा कोई अलग से युवाओं के लिए कोई समय सीमा निर्धारित हो, ऐसा कुछ नहीं है। कई 25 साल में सांसद बन गए, महापौर बन गए, यहाँ के विधायक हैं जो वर्तमान के भिलाई के, सबसे कम उम्र के महापौर थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपनी रुचि के ऊपर है, अपनी सक्षमता के ऊपर है, अपने दम पे हर युवा अपना स्थान बना लेता है। आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे उस टाइम पर टिकट मिल जानी चाहिए थी, या फिर ना मेरे को कभी नहीं, तो आज कहीं ना, मैं कभी सोचा ही नहीं मेरे टिकट ये बनना है वो बनना है, कभी मैंने सपना नहीं देखा। आज भी मैं सांसद हूँ, सांसद के लिए मैं कभी भी भाग दौड़ नहीं करता, मेरा कर्तव्य मैं निभाता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। आपकी थोड़ी कूल है कि हाँ, हाँ वो भी वो उसको कोई नहीं है कि हाँ जो है नहीं है नहीं है, और उसको कोई ना, मेरे परिवार के किसी की नहीं है, मैं पहले ही बताया। बिल्कुल। ना मेरे पिताजी थे, ना माताजी बहुत ज़्यादा वो थी, कुछ नहीं, मेरी बहन लोग, भाई लोग, सब लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दूर के रिश्तेदारों को भी ऐसा नहीं लगता कि हमारे इतने बड़े सांसद हो गए या कुछ हो गया। और क्या है, सांसद तो कई सांसद हुए, कई सांसद आए गए, हम भी आए हैं, हम भी चले जाएंगे, उसमें क्या है। सर आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, मतलब जब ये राजनीतिक दौड़ नहीं, फ्री टाइम तो मिलता ही नहीं है यार। परिवार के साथ बैठते हैं। और क्या है आपका व्यंजन? मैंने अभी तक छत्तीसगढ़ी कुछ ऐसा खाया नहीं है, तो अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि हाँ विरल जाओ, अगर छत्तीसगढ़ को समझना है, अगर छत्तीसगढ़ आए हो, नहीं आना, कभी खिलाएंगे, यहीं खिलाएंगे, घर में खिलाएंगे। हमारे यहाँ वो लड्डू बनता है, किसका लड्डू? पूरन वाला, उसको वो बोलते हैं जो बूंदी का है ना, उसके अंदर प्रसाद बना के उसको बांधते हैं, उसका हम लोग छत्तीसगढ़ी में छीट का लड्डू बोलते हैं उसको, छीट का लड्डू। वो मिलेगा आपको यहाँ, मिलेगा जो गढ़ कलेवा है ना, हाँ। छत्तीसगढ़ी वहाँ मिल जाएगा आपको, इतना हम खिला देंगे। हमारे यहाँ पारंपरिक खुरमी ठेठरी है, वो है, हाँ, बनाने के तरीके अलग अलग है। कई महिलाओं के हाथ में ऐसा है कि मेरी माँ बहुत नरम बनाती थी, एकदम मिसेज भी बनाती है वैसी, तो ये है।
ये सब्जी में हम लोग जिमी कांदा खट्टे में ज्यादा पसंद करते हैं। जिमी कांदा है तो क्यों यहाँ पर लोग? नहीं, जिमी कांदा का स्वाद ही अलग है यार, उसको खा के देखो, बनाने वाले अच्छे होना चाहिए। हमारे यहाँ कभी आओ, खिलाएंगे। फिर भाजी में वो बुहार भाजी, चेज भाजी, तो ये सब मेरे प्रिय हैं। फिर वो जो वो कोचई पत्ता होता है ना, कोचई, हाँ। कोचई मतलब उसको क्या बोलते हैं, अरबी, अरबी का पत्ता होता है, उसको उबाल के फिर उसमें बनाते हैं, मतलब इढ़र कढ़ी बोलते हैं उसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में, वो बहुत पसंद खट्टे में। तो यही सब है। फिर एक से एक व्यंजन है हमारे यहाँ, पीड़िया भी है, कुसली भी है हमारे यहाँ, चीला है, वो जो चावल का फरा बनाते वो है, जो क्या बोलते हैं राइस रोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं राइस रोल, थोड़ा बहुत मेरे को गाने का भी शौक है। आप सर ऐसी, मैं कभी रियाज नहीं करता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत गा लिया करता हूँ, गुनगुना लिया करता हूँ कभी। मैं फिर सस्ती है, अभी मेरा थोड़ा सा गला भी ठीक नहीं है, कभी सुनाएंगे, कभी बैठेंगे। अभी तो मौसम के कारण कबड्डी या फिर कोई खेल कूद अभी टाइम तो वैसे नहीं, नहीं। अभी मैं वेट लिफ्टिंग संघ का भी अध्यक्ष हूँ जी, यहाँ छत्तीसगढ़ का संघ का, रोल बॉल छत्तीसगढ़ राज्य संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, और खो खो का मैं संरक्षक हूँ, तो खेल से मैं अभी भी जुड़ा हूँ। और जब डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे तो मेरे को उपाध्यक्ष भी बनाए थे। राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग संघ का भी उपाध्यक्ष हूँ मैं, तो इस तरह खेल के क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ मैं अभी भी। सर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर। मैं समाज का भी अध्यक्ष हूँ, सर कुर्मी समाज है, जो अलग अलग 27 फिरका है हमारे उपजाति जी, उसका जो संगठन है उसका भी मैं 10-12 साल से अध्यक्ष हूँ, निर्विरोध अध्यक्ष बना देते हैं मेरे को, समाज के लोग भी। आपके समाज में आपके प्रतिद्वंदी भी आते हैं, आप वही समाज है आपका दोनों? हाँ वही समाज है, दोनों है, हम लोग तो घर ही हैं, कि परिवार है। अभी कभी बातचीत आपकी होती है तो? नहीं नहीं, बातचीत नहीं होती। ठीक है फिर। बिल्कुल सर, बहुत आज मुझे इतना जानने को मिला छत्तीसगढ़ के बारे में, आप साधुवाद। नहीं नहीं, धन्यवाद के माध्यम से लोगों तक ये सब मेरे विचार जाएंगे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हाँ नमस्कार, जय जोहार। एक नाम मिस्टर विरल है और एक चैनल के नाम हुई वायरल है, मतलब बहुत अच्छा लगीस, आप सब भी ये देखो और आगे भी दूसरा ल प्रेरित करो कि ये चैनल ल देखा है, ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ।